हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का दिन है 190 और फिलहाल हम हैं भैया जी के वहाँ सुंदर नगर से थोड़ा सा आगे एक गाँव है। गाँव का नाम मैं पूछता हूँ बार बार भूल जाता हूँ, और पिछली वीडियो में आप लोगों को शिकायत थी कि मैंने जगह का नाम नहीं बताया। दूसरी चीज़, कल यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन था, मुझे लगा कल मेन प्रोग्राम है बट आज मेन फंक्शन है, और कल एक नॉमिनल था छोटा सा फंक्शन था। तो आज सुबह हम उठे 7 बजे, क्योंकि रात में सोते सोते थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे, और सुबह उठ के देखा तो पूरी भीड़ लगी है, लोग आए हैं, काम चालू है, बड़ा ही मतलब लगा कि यार थोड़ा लेट हो गया मुझे। तो मैंने सोचा बाहर जाके वीडियो स्टार्ट करूँ, उससे बेहतर है रूम में स्टार्ट करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, नहाने के बाद जाऊँगा नीचे और फिर जो है प्रोग्राम में सब घुल मिल जाऊँगा, आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ का फंक्शन या प्रोग्राम कैसे होता है। यहाँ पर वैसे ट्रेडिशनल खाना था चावल और कद्दू की सब्जी, नहीं चावल कद्दू की खट्टी सब्जी, फिर कद्दू की मिठाई और आलू मटर की सब्जी। ये यहाँ का ट्रेडिशनल खाना है, इसको कुछ तो बोलते हैं, मतलब कुछ फंक्शन जो दावत होती है हमारे वहाँ दावत बोला जाता है, उसको यहाँ पे कुछ और बोला जाता है। जो भी बोला जाता है अभी मैं बताता हूँ। और आपको पिछले कुछ दिनों से वीडियोस बहुत डिले के साथ मिल रही हैं, आने वाले कुछ दिनों में मतलब 2-4 दिन और ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड में हूँ। कंटिन्यू मैंने 90 डेज़ के समथिंग साइकिलिंग की है, जो कि काउंट हो रहा है, अदरवाइज 100 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने रेस्ट बहुत नॉमिनल सा लिया है, तो इस वजह से रेस्ट चल रहा था अभी। और यहाँ से नीचे उतर के चीज़ें एकदम से चेंज होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड था, कुछ ऐसा करने वाला हूँ मैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तो मैं बताऊंगा फिर। बस चीज़ें सही चल रही हैं, बेहतर चल रही हैं, आप लोगों के प्यार की वजह से सब मस्त चल रहा है। तो फिलहाल बहुत बातें नहीं करते हैं, मैं जा रहा हूँ नहाने, नहाने के बाद आऊँगा तो मिलूँगा फिर से। ये कद्दू है, कद्दू के अंदर डाल दिया गया है घी, नहीं कद्दू के अंदर डाल दिया गया है दही, और इधर बर्तन चढ़े हुए हैं, खाना तैयार हो रहा है। बहुत धुआं है, बहुत ज़्यादा धुआं है। अच्छा है हमारे वहाँ ऐसा खाना नहीं बनता, अभी आँखें एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रही है बस यहाँ से दूर हो जाओ। यहाँ भी कुछ हो रहा है,
मिठाई लगभग लगभग सी तैयार हो गई है और अब बस सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। थोड़ी देर में खाना भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ खाना जैसे घर के लोग नहीं खिलाते हैं, हमारे वहाँ खाना खिलाने के लिए घर के लोग होते हैं। ये आपको चाहिए ना? ओके। जैसे हम लोग के वहाँ घर के लोग खाना खिलाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे खाना बनाने का काम और खिलाने का काम जो यहाँ के ब्राह्मण होते हैं उनका होता है। वही खाना बनाते हैं, वही खिलाते हैं। और आपको बहुत कुछ करना है तो आप पानी पिला सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है यहाँ पे करने के लिए। फिलहाल बहुत धुआं है उधर, सुबह से मैं रो रहा हूँ, मतलब बिना पिटाई के रो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत बुरी पिटाई कर दी हो। आंसू बह जा रहे हैं। अब तो आंसू भी सूख गए एक दिन में, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन यहाँ रहने का मौका मिला, यहाँ का कुछ ऐसा लोकल प्रोग्राम, लोकल फंक्शन देखने का मौका मिला, अच्छा लगा। और कल से तो हमारी जर्नी कंटिन्यू हो ही रही है। कल से हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं बहुत सारी, कुछ नए नए काम हैं, नए नए टास्क हैं, उनको लेके चलना है हमको। हमारी ट्रैवलिंग अब नॉर्मल से थोड़ी सी अलग हो गई है। दूसरी चीज़, आपने जो वीडियो देखी है, पिछली वीडियो, उसमें इतनी वीडियोज़ मिसिंग है मेरे कैमरे के चक्कर में, इतनी वीडियो मिस हो गई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मतलब कैमरा ऐसे धोखा देता है ना, दिखता है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सेव हो गया है, फिर जब देखो जाके बाद में तो पता चलता है कि वीडियो है ही नहीं, गायब हो गया। तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो चल कोई नहीं, बैठते हैं। उधर बहुत धुआं था तो दूसरी साइड आके बैठ गए। अभी हम लोग बैठे हुए थे, बारिश स्टार्ट हो गई है, खाना वगैरह स्टार्ट हो चुका है, सब लोग खाना खा रहे और फिर आंटी जी आई। आज वहाँ पर फंक्शन था, उन्होंने हमें ये दिया। ये मतलब ये भी ट्रेडिशन का हिस्सा ही है, तो ये भेंट मिला है हमें, अच्छा लगा, प्यारा लगा। कल्चर है ये, अच्छा है, मतलब कल्चरल इम्पोर्टेंस है ये, अच्छा है। हमारे वहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये शिवाजी भाई खड़े हैं, बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन वैसे इस मूवमेंट के लिए तो अच्छा नहीं है क्योंकि फंक्शन है, तो बारिश ना हो तो बेहतर है। बट यहाँ पे ये चीज़ों की आदत ही है सबको, लोग इन प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर लेते हैं इजीली, क्योंकि सबको पता होता है कि बारिश होगी होगी। यहाँ पे बारिश बहुत कॉमन है, कभी भी हो जाती है, पता ही आपको पता ही नहीं चलेगा कब अचानक से बारिश होने स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी तैयारी रखते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऊपर ये सजावट की गई है, बट उसके ऊपर जो है तिरपाल लगा हुआ है, ऐसे तिरपाल हर जगह लगा है। और हम लोगों के लिए बहुत यूनिक चीज़ है, कुछ नई चीज़ है ये। हम तो ऐसे ही बैठे रह जाए पूरे पूरे दिन, मैं तो बैठा हूँ सामने के नज़ारे देख रहा हूँ। एडिटिंग भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, कल निकलना है, काम बहुत है, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, कल से फिर वही नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी अपनी। आज कल मिस करूँगा मैं ये सारी चीज़ें, कल मिस करूँगा शिवाजी भाई को, कल मिस करूँगा संजीव भैया को, कल मिस करूँगा मैं सुभाष भाई को, कल मिस करूँगा सारी चीज़ों को, भाभी को, घर को। ये लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ और बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ के, तो अच्छा है। यही लाइफ है हमारी, लोगों से एक कनेक्शन बनता है, फिर वो कनेक्शन को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। यही रहता है, हमें अपनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होता है। तो ठीक है, कोई नहीं, यही तो चैलेंज है। और ये है इको फ्रेंडली पत्तल, इको फ्रेंडली ग्लास और इको फ्रेंडली व्यवस्था भी है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और इतनी ऑर्गेनाइज्ड हैं कि बगल में आप देखिए बारिश हो रही है एकदम झमाझम, और हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम खाना खा रहे हैं।
बढ़िया है, लेकिन क्योंकि यहाँ के लोगों को आदत सी है, यहाँ नॉर्मल लाइफ है ये, बारिश तो बेहतर है। हम भी खाना खाने बैठ गए हैं, अभी खाना आता है, टेस्टी है वैसे यहाँ का खाना काफ़ी, मैंने सुबह देखा था, बहुत मन से बनाते हैं। तो फिलहाल बातें बातें नहीं करेंगे, बहुत सीधा खाना खाएंगे, बट सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई हैं, ये बेहतर है। तो बढ़िया बारिश हो रही है। यहाँ खाना पीना चल रहा है मस्त, हमने खा लिया था, बारिश अभी थमने का नाम दे नहीं दी है, और लोगों की भीड़ अब आती रहेगी, करीब करीब 500-600 लोग आएंगे अभी, तो इसलिए धीरे धीरे जो है वहाँ पीछे खिलाया जा रहा था, अभी इधर लेके आया गया खिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ जगह ज़्यादा है, तो खाने पीने की व्यवस्था यहाँ शिफ्ट कर दी गई। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे खाना पीना खिलाया जा रहा है, धीरे धीरे 7:30-7:30 से पहले सब लोग निपट जाते हैं। तो हम वैसे जा रहे हैं अभी टहलने सड़क की तरफ, नीचे सड़क है मतलब आके उधर की तरफ जा रहे हैं, इधर बैठेंगे इससे बेहतर है वहाँ बैठेंगे, तो अच्छा है। चलें शिवाजी भाई, चलते हैं। और फाइनली मतलब जो है ना, आज जो मेन फंक्शन था यहाँ का वो पूरा हुआ, मज़ा आया। और 3 बजे से खाना खाना स्टार्ट किया था लोगों ने, रात के 9 बजे तक खाना पीना चलता रहा, और मतलब बहुत लोग आए, करीब 500-600-700 लोग आए थे, काफ़ी भीड़ थी, मतलब मज़ा सा आ गया एकदम। मैंने तो देखा पहली बार, इसको बोलते हैं मंडवाली धाम का मतलब होता है दावत, जैसे हमारे वहाँ दावत होती है, भोज होता है, वैसे यहाँ पे उसको धाम बोला जाता है। मंडवाली धाम काफ़ी फेमस है मंडी ज़िले के लिए, ये है ना मंडी जो ज़िला है, मंडी ज़िले में ही है ये गांव, तो मंडी ज़िले का जो धाम होता है, धाम का मतलब वही दावत, वो काफ़ी फेमस है। तो हमें पता चला था मंडवाली धाम के बारे में, तो हम बोलने ही वाले थे कि भैया जैसे किसी जगह पर ले चलिए जहाँ पर हमें जो है धाम खाने को मिले, बट सडनली भैया जी ने बताया, हम बोलते उससे पहले भैया ने बोला कि हमारे वहाँ धाम है और आपको अपने वहाँ का धाम भी लाते हैं। तो हम लकी थे, हमें भैया से मिलने का मौका मिला, हमें यहाँ रुकने का मौका मिला और हमें धाम खाने का मौका मिला। तो इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जाता है भैया जी को, उन्होंने कमेंट नहीं किया होता, बुलाया नहीं होता तो हम आए नहीं होते, हमने धाम नहीं खाया होता और सारी चीज़ें पीछे छोड़ जाती। हम मंदिर पे गए, हम वाल्मीकि आश्रम था ना, मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम है वहाँ पे गए, फिर हम माता जी के मंदिर पे गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बस यही है, आज की वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो बस वही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कौन सा पार्ट आपको पसंद आया है, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, घंटे का आइकन भी दबा लीजिए, वो भी ज़रूरी होता है। और आज के लिए बस इतना ही, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।